ओके गाइस, स्वागत है सीधी बात नो बकवास में। आज की टॉपिक थोड़ा सीरियस है। सीरियस मींस अगर आपकी कोई इम्पोर्टेंट फाइल करप्ट हो जाए, जैसे कि वर्ड हो या एक्सेल हो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बिलीव मी, आपके पास अगर बहुत सारा डाटा फीड हुआ हो या आपने बहुत काम किया हो इसके अंदर और सडनली फाइल करप्ट हो गई, तो बूम, कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कुछ ऑनलाइन टूल यूज़ किए, बट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। बट मैं आपको इनबिल्ट एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगा जो कि आपकी फाइल रिपेयर करने में मदद करेगा, और मैंने ये ट्राई किया है, बहुत बार ये मेरे साथ काम किया है। तो ये मेरी करप्टेड फाइल है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन मत कीजिए। जैसे डबल क्लिक करके ओपन मत कीजिए, करप्टेड जो भी आपकी करप्ट हुई है फाइल उसको डबल क्लिक करके ओपन मत कीजिए। बेटर रहेगा कि फर्स्ट आप एक्सेल, अब एक्सेल ओपन कर रहे हैं ना, तो एक्सेल ओपन कर लीजिए। यहाँ से एक्सेल ओपन कर लीजिए या डेस्कटॉप से कर लीजिए। मेरे पास 3 है, 7 है, 16 है, तो 7 पे देख लेते हैं। सेम ऑप्शन काम करेगा 3, 16 और 7 में, तो मैं यहाँ से 7 ओपन कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको फाइल ओपन करना है, करप्टेड फाइल। तो जस्ट कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए, आपका ये सब डाटा आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ, आ जाए यार। ओके, यहाँ पे डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर है, अच्छा इसमें ये फाइल है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ओपन जो है ओपन मत कीजिए, यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड करके ओपन एंड रिपेयर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, क्या करना है, ओपन एंड रिपेयर, चलिए देखते हैं। ओपन एंड रिपेयर, तो ये पूछ रहा है कि आपको फाइल रिपेयर करनी है। ठीक है, रिपेयर कर दो। ओके डन, ये फाइल रिकवर हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डाटा था वो बैकअप आ गया। अगर ये काम ना करे, इस तरह से अगर काम ना करे, तो मैं और एक ऑप्शन आपको बताऊंगा। अगर ये मेथड आपको काम ना करे, फिर से आप फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन एंड रिपेयर में जाइए यहाँ पे, और दिस अगर आपको रिपेयर काम नहीं किया, आपने जब रिपेयर प्रेस किया तो आपको काम नहीं किया ये ऑप्शन, तो आप कर दीजिए एक्सट्रैक्ट डाटा और कन्वर्ट टू वैल्यू। ओके, तो अगर फर्स्ट रिपेयर ऑप्शन काम ना करे, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन फॉलो कीजिए। हो सकता है थोड़ा बहुत आपका डाटा या फॉर्मेटिंग थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन डाटा तो बैकअप आ जाएगा ना, आप उसको फिर से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके फिर से आप अरेंज कर सकते हो। सो ये इजी मेथड है अपनी करप्टेड एक्सेल फाइल को रिपेयर करने के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसी तरह डेली अपडेट्स के लिए। थैंक